दोस्तों, दोस्तों शानवाज। sure हमारा आका। अच्छा दोस्तों और शानवाज, हमें उम्मीद है कि आपने आ, इस किताब की जो पहली वीडियोज हैं वो देख ली होंगी आज हम इसमें से जो पढ़ेंगे पार्ट उसका टाइटल है मासूम बच्चे का इरादा। मासूम बच्चा क्या होता है शानवाज इनोसेंट चाइल्ड तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र ब मुश्किल नौ से दस बरस होगी एक लड़के के साथ मक्का से बाहर पहाड़ी मैदानों में बकरियां चराया करता था यानी कि आज़ू अलैहि वसल्लम वहाँ पर बकरियां चराया करते थे उस जमाने में शानवाज़ ऐसे होता था कि बकरियों को लेके लोग बाहर चले जाया करते थे जहाँ पर ग्रीनरी होती थी ना तो वहाँ से बकरियाँ अपनी पसंद की ग्रास खा लिया करती थीं शहर की हालत ये थी कि वहाँ रोज़ाना मुख्त घरों में किस्सा खाने की मजलिसें और शेर व सुखन की महफ़िलें नहायत जरों शोर से मुनक्कित होती थीं जिनमें बुज़ुर्गों की कहानियाँ उनकी बहादुरी दिलावरी आ, और शुजात की दास्तानें बड़े रंगीन अल्फाज में बयान की जाती थी और शेर व सुखन की दाद दी जाती थी तो शाह अरबों में ये रिवाज होता था कि वहाँ पर रात के टाइम पर सारे लोग इकट्ठे बैठ जाया करते थे और उसके बाद सारे लोग अपनी इस्टोरी सुनाया करते थे कोई कहता था कि मैं इतना ब्रेव हूँ मेरा फ़ादर इतना ब्रेव थे और मैंने ये काम किया और फिर उसके बाद वो पोइट्री किया करते थे यानी कि शेर व शायरी किया करते थे जिसमें वो अपनी बहादुरी के किसे सुनाया करते थे कि बड़ा अच्छा काम किया मैंने ये किया तो लोग जोको शोक के साथ उन महफ़लों में शरीक होते थे और सारा वक़्त शराब खोरी शराब खोरी कहते हैं अल्कोहल का वो जो ड्रिंक होता है ना जिसको अला मैंने मना किया हुआ वो पी पीते थे और ऐशो इशरत और हा हा हू में गुजार देते थे छोटे बच्चे को ये सब मालूम था यानी कि हाँ जो सल्ला वसलम अगरचे छोटे बच्चे थे लेकिन उनको पता था कि ये सब लोग अच्छी काम नहीं कर रहे हैं मगर वो अभी तक इन किसी महफ़िल में शर्क ना हुआ था लेकिन आखिर वो बच्चा था और इंसान का बच्चा था उसके ज़माने के सारे लोग इसी आबो हवा में परवरिश पाकर जवान हुए थे हर एक पर यही नशा सवार था और फिर खुद इसके पहलू में भी दिल था जिसमें बचपन के जज्बात शौक और उमंगें मचल रही थीं छोटे बच्चे ने सोचा कि लाओ क्यों ना मैं भी थोड़ी देर के लिए किसी ऐसी महफिल का लुत्फ उठाऊँ जरा देख तो आऊँ इन महफिलों में होता क्या है तो उनको तजस हुआ यानी कि क्यूरसिटी हुई कि इन महफलों में क्या करते हैं लोग मैं जरा देख के तो आऊँ सोच सोचकर छोटे बच्चे ने अपने साथी से कहा दोस्त मेरा दिल आज शहर की मजलिस देखने को चाह रहा है मगर मुश्किल ये है कि इन बकरियों का क्या करूँ जो चिराने के लिए मेरे से की गई हैं मेरी समझ में एक बात आई है अगर तुम मेरी बकरियों की हिफाजत का वादा करो तो मैं ज़रा कि ज़रा शहर जाकर उनकी मजालस का लुत्फ़ उठाऊँ इसके बदले कल तुम शहरों आना और मैं तुम्हारी बकरियों की हिफाजत करूँगा तो उसने उन्होंने बताया क्या किया अपने दोस्त को कहा कि यूं करते हैं कि हम एक डील कर लेते हैं एक दिन तुम मेरी बकरियों को लुकावटर करो और एक दिन मैं तुम्हारी बकरियों को लुकावटर करूंगा और जिस दिन तुम मेरी बकरियों को लुकावटर लुक करोगे उस दिन मैं सिटी जाकर वो जो महफिलें लगाते हैं ना जिसमें लोग पोइट्री करते हैं शराब पीते हैं और इस किस्म की चीज़ें करते हैं मैं ज़रा देख के तो आऊँ कि वो वहाँ पर क्या करते हैं और नेक्स्ट डे जब मैं तुम्हारी बकरियों को करूँगा तो तुम चले जाना तो दोस्त को ये चीज़ अच्छी लगी ये डील अच्छी लगी तो साथी ने बात मान ली और छोटा बच्चा शहर के सैर तमाशे में शरीक होने के लिए ख़ुशी खुशी रवाना हो गया मगर अभी शहर में दाखिल ही नहीं हुआ था यानी कि अभी वो सिटी में दाखिल ही नहीं हुआ था कि शहर के किनारे पर उसे एक मकान में कुछ आदमी नज़र आए बच्चे ने किसी से पूछा यहाँ क्या हो रहा है लोगों ने कहा एक शादी की तैयारियाँ हो रही हैं शादी पता ना क्या होती है वेडिंग हाँ जी छोटा बच्चा बगैर किसी ख्याल के घर के अंदर चला गया वहाँ फर्श बिछा हुआ था यानी कि वहाँ पर कारपेटेड फ्लोर था लोग हाँ जी लोग दुल्हा के आने के मुंतजिर थे तो बच्चा भी फर्श पे बैठ गया आपको पता है ना बच्चों को कितना शौक होता है दुल्हा को देखने का और दुल्हन को देखने का जिनकी शादी होने वाली होती है उसके अच्छा इसके बैठते ही खुदा ने हवाओं के फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐसी हल्की और ठंडी हवा चलाओ कि बच्चे को नींद आ जाए अला मियाँ को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार था किला मियाँ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी महफिल में जाएँ तो अलामिया ने बताओ क्या किया ने विंड को कहा कि विंड तुम ऐसी अच्छी अच्छी तरह से चलना शुरू कर दो कि वो छोटे बेबी मोहम्मद को नींद आ जाए और फिर क्या हुआ मुकम की तामील में फ़ौर हवा चलने लगी और बच्चे को इतनी नींद आई कि वो वहीं फर्श पर लेट कर सो गया हाँ जी जब उसकी आँख खुली तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और सूरज सामने की पहाड़ी में गरूब हो रहा था गरूब हो रहा था यानी कि सनसेट हो रहा था बच्चा घबरा कर खड़ा हो गया और बकरियों की फ़िक्र में जल्दी जल्दी जंगल को चला गया जब बच्चे को आंख खुली तो उसको याद आया ओहो मेरे तो मैंने तो अपने दोस्त को बकरियां दी हुई हैं मैं अगर वापस ना गया तो वो तो मामला ख़राब हो जाएगा तो वो जल्दी जल्दी वापस चला गया और यूं ये तजर्बा नाकाम हो गया और फिर मिया ने आज सल्ला वसम को बचा लिया प्रोटेक्ट कर लिया फ्राम गोइंग टू दोज यू नो you know, जहाँ पर वो जो लोग जोक्स करते हैं और अपनी बहादुरी के किस्से करते हैं और शराब पीते हैं वो जहाँ पर जाना था ना बच्चे ने सोचा आज तो नींद आ गई है और किसी महफिल में शरीक ना हो सका अच्छा चलो फिर किसी और से ही किसी और दिन से ही एक और दिन जबकि मौसम बहुत खुशगवार था छोटे बकर, बच्चे ने बकरियां अपने दो साथी को सौंपी और ख़ुद शहर को चला गया फिर इसी तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी और दिन चले जाएंगे और फिर उन्होंने किसी और दिन को बच्चे ने बकरियां अपने उसी फ्रेंड को दी और फिर शहर को चल चले गए मगर उस रोज़ कुछ ऐसा ही इतफाक़ पेश आया और छोटा बच्चा किसी महफिल में शरीक ना हो सका तो सेकंड टाइम भी अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया देखा अलामिया अपने बंदों से जब प्यार करता है तो मियाँ उनको प्रोटेक्ट करता है कि वो किसी गलत चीज़ में न पढ़ने उसके बाद उस लड़के को इस किस्म की महफिलों से कुछ नफरत सी हो गई फिर उस बच्चे को हिंट मिल गया कि मियाँ को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं तो मैं भी इनके पीछे ना जाऊँ और उसने फिर कभी इनमें शमूलियत का इरादा नहीं किया जानते हो ये छोटा बच्चा कौन था ये था मेरा प्यारा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो समझ लगी नवाज़ को अल्लाह किलामिया जिन लोगों से प्यार करता है हैियाँ उनको प्रोटेक्ट करता है और जो लोग लोगियाँ को प्यार करते हैं अलामियाँ उनको भी प्रोटेक्ट करता है तो हमेशा अल्लाह ताला से प्यार करना है ताकि ता, अगर आपके माइंड में कभी कोई ईवल आइडिया आए भीगा आएगा भी तो अलामियाँ उस मोहब्बत की वजह से आपको प्रोटेक्ट कर देगा ठीक है तो हाँ जी

ठीक है दोस्तों इंशाल्लाह इनशाला इंशाल्लाह हम फिर इसी वाक्य को कंटिन्यू करेंगे आने वाली वीडियोस में तब तक के लिए